तो आप इसको आप अंधेरे में देख सकते हो। अभी हालांकि बाहर उजाला है भाई, सांप रोंगटे खड़े हो रहे। एक एक कदम जगह पे रुके क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी ओवरहीट हो गई है। बस देखो इंजन पे सुखाने डाल लो था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निश एंड यू आर वाचिंग ट्रैवलर निश। मेरे हाथ में आप पैकेट देख रहे हैं, इस पे है नाइट रिफ्लेक्टिव जैकेट। ज्यादातर राइडर रहते हैं जिनको रात में भी ट्रैवल करना पड़ता है। मैंने भी कई बार रात में ड्राइव किया है। पीछे से समझो कोई गाड़ी आ रही है, कोई कार आ रही है, तो उसको सिर्फ आपकी बाइक की टेल लाइट ही दिखेगी, ना कि कुछ अलावा। तो इससे क्या होता है, इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। जो पीछे से आ रहा है उसके अगर उसकी हेडलाइट आप पे मतलब इस जैकेट पे अगर गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है रात में, तो उसको भी पता चल जाता है कि सामने कोई बाइक बंदा बाइक चला रहा है। तो इसे आप आपके राइडिंग जैकेट के ऊपर भी पहन सकते हो। अगर आप टी शर्ट या कोई नॉर्मल जैकेट पहन के अगर बाइक ड्राइव कर रहे हो तो इसके ऊपर भी आप इसे पहन सकते हो। ये फ्री साइज का आता है, तो आप इसको अपनी तरह से एडजस्ट करके आप इसको कोई भी टी शर्ट या जैकेट के ऊपर पहन सकते हो। सो नाइट ड्राइव के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अभी इसको ऑर्डर किया है अमेजोन से, तो अभी इसको ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जैकेट कैसा है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। सो ये है अपना रिफ्लेक्टर जैकेट। वैसे ऑरेंज कलर में भी आता है पर मैंने ये थोड़ा ग्रीन कलर में लिया है। तो ये बेल्ट है, आप इसको फिर अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी रहेगी। और ये नियॉन कलर में भी काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। आप इसे जैकेट के ऊपर या फिर आप कोई भी टी शर्ट या राइडिंग जैकेट अगर आपका रहेगा तो राइडिंग जैकेट के ऊपर भी पहन सकते हैं। और ये जो बेल्ट है इसको फिर अपने तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर एक बार एडजस्ट होने के बाद आपको सिर्फ ये जैकेट की तरह पहन के ये बेल्ट में लगा देना है, बस फिर आपका ये रिफ्लेक्टिव तैयार। मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है अपना रिफ्लेक्टिव जैकेट, तो इसको पहन के दिखाता हूँ मैं आपको। पहनने का बिल्कुल इजी है, जस्ट आप जैकेट पहनते हो उसी तरह से इसको पहनना है। एक हाथ यहाँ पे, देन कुछ ऐसे, और फिर ये जो बेल्ट है ये क्लिप है, इसको आपको लगाना है। अभी आप देखोगे ये पूरा मतलब लूज है क्योंकि अभी तक मैंने इसको टाइट नहीं किया। तो ये जो छोटे छोटे क्लिप दिख रहे हैं इसको आपको जस्ट खींचना है ऊपर की तरफ, तो ये आपकी बॉडी के हिसाब से फिर टाइट हो जाएंगे। तो अभी ये मुझे बिल्कुल फिट बैठ गया। आप इसे जैकेट या टी शर्ट किसी के ऊपर भी आप इसको पहन सकते हो। और ये पीछे से आप देखो तो ये रात में ये जो स्ट्रिप है ये चमकती है इसके बीच में जो है वो, तो जो पीछे जो भी ट्रक चला रहा है या फिर जो भी कार बाइक चला रहा है उसकी जैसी हेडलाइट आप पे गिरती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसको दिखाई देगा कि सामने कोई बंदा ड्राइव कर रहा है। तो आप इसको आप अंधेरे में देख सकते हो। अभी हालांकि बाहर उजाला है तो प्रॉपर अंधेरा हुआ नहीं है। अंधेरा होने के बाद जो लाइट इस पर गिरेगी उससे काफी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसी के हिसाब से कि नाइट राइड में कितना हेल्पफुल है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव जैकेट है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो ये 200 में मुझे आया और डिलीवरी चार्ज पकड़ के 240 समथिंग। सो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब ये छोटी सी चीज कभी ना कभी आपकी जान बचा सकती है नाइट राइड के दौरान। तो मैं तो बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ आप हर कोई जो नाइट राइड करता है उसे ये लेना ही जरूरी है। आजकल राइडिंग जैकेट ही ज्यादातर ऐसे आते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव लगा रहता है, बट फिर भी एज अ सेफ्टी साइड इसमें क्या कुछ ज्यादा तरीके से रिफ्लेक्टिव होता ही है। तो जो राइडिंग जैकेट रहते हैं उसमें छोटे छोटे पैच रहते हैं जैसे हाथ पे या फिर जैकेट पे पीछे से कई छोटी छोटी स्ट्रिप रहती, पर ये पूरा का पूरा हाईलाइट होता है। सो गाइस आई होप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।